पठानकोट के वार्ड नंबर 11 वासूरी मोहल्ले के ही रहने वाले एक व्यक्ति पर गली में कब्जा करने के आरोप लगाए हैं। वार्डवासियों का कहना है कि उक्त व्यक्ति द्वारा सरकारी गली को गेट लगाकर कब्जा कर लिया गया है, जिससे उनके वार्ड में निकासी व्यवस्था भी ठप हो गई है। इस मामले में वार्डवासियों ने निगम को मांग पत्र सौंपा है, जिसमें उक्त कब्जा जल्द छुड़वाने की मांग की गई है। मैं अश्विनी कुमार जोड़ा जी, 11 नंबर वार्ड का महकमा हुंदा। इस 11 नंबर गली दे विच इत्थों दा MC है, वह कदे जदों दा बने एक बार भी नहीं इत्थे आया। साढ़े पानी की समस्या तो इन्नी हैगी है, जो नाला भर जाता तो यह निकासी है माड़ी जी 6 फुट की गली, ये इन्होंने साड़ी जबरदस्ती गली मल ली है। हूँ साढ़ा पानी की समस्या है, घर पानी बढ़ जाता है, इतों तक भी लोगों के बैड तक भी भरो जाते, इन्ना कु पानी इतने जोर आता पानी का, तो साढ़े सारे जिन्ना भी महला सारा पानी डुबिया पाया। तो अं चाहते हैं भी मंग रखने भी यह साड़ी गली निकली जाए तो पानी की निकासी बाहर चल जाए तो साड़ा महला ठीक हो जाए। बस यही चीज़ें सुना जाए इतने कोई अवैध कब्जे भी होए, सरकारी जमीन मली पी है, कुछ इदा का भी है? देखो ये सारी जगह ना पिछे मतलब जिनी भी है काफ़ी जगह मतलब नजायज ही है, जिदी जिस चीज़ें नहीं है पटवारी के कागज देख के पिछले छिछड़े ने खोल के देखो, ये उस महल तो ला के इस महल तक एक इतने गली हैगी सी, हाँ जी 11 फुट की पहली गली सी, क्यों इन्हों का इतने खूह हुंदा सी, खूह से बंद बंद हो गया, इस करके जो इस्तेमाल होई सी ना साडे हुंदे दी गल उदों इतने उन्होंने गली कढ़ी सी, फिर जिन्हों का यह प्लाट है उन्होंने कवर कर लिया सीवरेज भी पिया तो कोई किता नहीं। पापा जी की जगह सी किन मान ली, क्यों कार्रवाई नहीं हो रही? लक्की ने प्लाट लिया सी, जगह होंगी सी ये सरदार धर्म सिंह की, निंदर सिंह, धर्म सिंह, मुलक सिंह उन्हें होंगे सी, सारिया जिनी भी जमीन सी उन्होंने ये प्लाट अगे वेची सी। हाँ जी हाँ कह सकते हैं कि सरकारी गली सी जी निकली, सरकारी गली पटवारी का छिछड़ा पिछला पर आ के देखो इस्तेमाल के टाइम का इतने गली ये भी हैगी है, तो बाकी जी दूसरी गली है जे वो गली नहीं तो उधर सीवरेज किदा बिस गया और उस मकान के उधर गेट किदा बारियां किदा लग गई। गलियां जड़िया ना भावे छोटिया निकल जान, चलो पानी जरा इधर आंदा ये सारे घर मेरी यह जगह जी वो देखो मेरा मेरा इस वेले 5 फुट पानी जरा ना वो चढ़ जाता, मेरिया गऊं ने उत्थे बधियां जां कोई भी समान सारा रुड़ जाता, बुरा हाल है साडा। मेरा नाम रमेश कुमार है जी, वार्ड नंबर 14 का, मैं बसिंदा है, ठीक है जी, 11 हाँ जी 11 नंबर का। साड़ी यही समस्या है कि पानी की निकासी आ जा के जे नाले छोटे है तो गलिया के पिछों निकलेगा और कितने निकलेगा, ठीक है ना। इस तो अलावा अं चाहते हैं कि जो भी जिस दे नाल एक साढ़े मकान है इतने इस गली दे विच गली हैगी है, वो गली जो कि अगे कि किसी ने गेट ला लिया वो थले सीवरेज भी पई हुई है तो वह निकल जाए तो पानी भी निकलता थोड़ा जहा मतलब कि निकल जाता कि इतने लोगों के घर पानी ना बढ़े, वो गली रस्ते पानी जरा बाहर निकल जाता। महकमे इस संबंधी नहीं दस कि गली तो कब्जा हो गया या कर रहे नहीं? अं तो पूछे नहीं कभी, वो जो हूँ अं महल सारा रौला पाया तो उन्होंने जिस पुछा कि घर के कहें कि साड़ी रजिस्ट्री में गली हैगी है तो सूँ तो हूँ पता लगा। हूँ मंग यही है कि उन्होंने गली खोलिया जाए, उन्होंने देखो पहले वे कागज पत्र जो है तो लीगल तौर पर जिस तरह भी कानूनी हिसाब के जो है उन्होंने बनाया जाए तो वो ता कि पानी की निकासी निकल जाए। वार्ड नंबर 11 के पानी की इन्नी प्रॉब्लम है कि SD स्कूल की ग्राउंड के 4-4 फुट पानी है और जी स्विमिंग पूल सड़क जाती है, तुम वेखते हो कि वाल ख्याल ही नहीं किया गया अज तक, सारे अफसर लंघ के जाते हैं, वो जिन्ना पानी है 4 फुट पिछों आ के सारा पानी इन्हें घर च आता है और जिन्हें घर घर जे 4-4 फुट पानी इन्होंने घर में आ जाता है। आ जी गली की इन्होंने गल की है, जी बीबी का घर नाल लगता वो रजिस्ट्री चैक की जाए, जे तो वो रजिस्ट्री के एंट्री हो गली उस गली तुरंत खिलाया जाए, जे ना खिलाया तो फिर असी जी अगर धरनिया का सिस्टम जरा शुरू करा, इन्नी मैं बेनती करना भी छेती तो छेती कार्रवाई करनी होनी चाहिए।
I hope once you visit this campus, your all queries regarding admission shall be fulfilled. Do visit us before seeking admission anyway. प्लस टू तक तो मैं पढ़ाई में ठीक ठाक थी, पर ग्रेजुएशन में आने के बाद मेरा पढ़ाई से मन सा उठने लगा। मन चाहे प्यार से शादी, कौन नहीं करना चाहता। कारोबार में हो रहा घाटा, आदमी परेशान तो होगा ही। कोरोना से फाइट करने के लिए आप सब अपने घरों में हैं और आपका और आपके परिवार का मनोरंजन कर रहा है टीवी इंटरनेट। क्या आप जानते हैं कि आपके घर में टीवी बराबर चलता रहे, आपका पसंदीदा चैनल आप तक लगातार पहुंचता रहे और इंटरनेट में कोई रुकावट ना आए, उसके लिए हजारों केबल ऑपरेटर्स और केबल वर्कर्स 24/7 आपके मनोरंजन के लिए काम कर रहे हैं। सभी केबल कर्मचारियों को सलाम।